हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग आज सेकेंड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में हैं। आज का विषय है जीके। तो स्टूडेंट्स, जीके में आज हम लोग 19 चैप्टर सीखेंगे और 19 चैप्टर में लिखा है एनिमल फैक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे एनिमल्स का पिक्चर्स दिया गया है। तो हम लोग नंबर वन क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग पे क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रॉम देयर पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक्स। मतलब निम्नलिखित जानवर को उनके चित्र से पहचानो और उनके नाम खाली जगह पर लिखो। ब्रैकेट में लिखा है, चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। बॉक्स में से सही आंसर चूज करके लिखो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले बॉक्स में क्या क्या नाम लिखा है वो पहले पढ़ लेते हैं। तो बॉक्स आप देखोगे तो इसमें लिखा है जिराफ, आउल, चीता, कंगारू, डॉग, कैमल, पीकॉक एंड ज़ेब्रा। तो स्टूडेंट्स, पहले वाला पिक्चर है देखो, उसमें एक डॉग का पिक्चर्स दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग नंबर वन में क्या लिखा है, डैश इज ए पेट एनिमल। मतलब जो पेट एनिमल होगा उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने इधर डॉग लिखा, ठीक है, डॉग का पिक्चर्स दिया गया है। तो मैंने आंसर क्या हुआ, डॉग इज ए पेट एनिमल, मतलब डॉग एक पालतू जानवर है। तो स्टूडेंट्स, आप भी आपके पास जो जीके का बुक्स है उसमें आप गुड हैंड राइटिंग से लिखोगे, क्या लिखोगे, डॉग इज ए पेट एनिमल, मतलब डॉग एक पालतू जानवर है। डॉग को हम लोग घर पे कोई कोई पालते हैं तो सबको पता है ना, डॉग को सब लोग पहचानते ही हैं। वैसा डॉग रास्ते पे रहता है, ऐसा घर पे भी डॉग रहता है ना। डॉग बहुत वफादार है। अगर आप डॉग को खाना खिलाओगे और प्यार दोगे तो डॉग आपका घर का और सोसाइटी का एक पहरादार का जैसा सुरक्षित रखता है ना। बहुत प्रजाति का डॉग मिलता है स्टूडेंट्स, उसमें छोटा कैट के जैसा भी डॉग है और बड़ा लेपर्ड के जैसा साइज का भी डॉग मिलता है, डॉग रहता है। जैसा मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसा मानो कोई कुछ डॉग है, जैसा एल्सेशियन, डोबरमैन, बुलडॉग, ग्रेहाउंड, बहुत बड़े बड़े डॉग हैं एक्सेट्रा। ऐसा लगता है लेपर्ड के जैसा एकदम बड़ा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पिक्चर टू नंबर पिक्चर एक पीकॉक का है, पिक्चर एक पीकॉक का है और उसमें क्या लिखा गया है, डैश इज द बर्ड व्हिच किल्स स्नेक। इसमें आएगा पीकॉक, पीकॉक इज द बर्ड व्हिच किल्स स्नेक, मतलब पीकॉक मयूर स्नेक को मारकर खाती है। तो मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा, वो सांप को मारकर खाते हैं, स्नेक को मारकर खाते हैं, मतलब सांप को मारकर खा जाते हैं। पीकॉक देखने में बहुत सुंदर है, आपको पता है ना, जब बारिश का मौसम आता है तब पंख फैला के नाचती है ना मयूर। मयूर का सिर पर कलगी देखा जाता है, तो आप पिक्चर में देखो उसका सिर पर जो दिखता है उसको कलगी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जब मयूर का वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाती है। इसका वजन ज़्यादा वजन की वजह से वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाती है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जो हम लोगों ने पहले भी सीखा, मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट नंबर देखो, एक आउल का पिक्चर दिया गया है और क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा, आउल कैट नॉट सी इन डे लाइट, मतलब आउल सुबह देख नहीं पाती है। आउल पूरा उल्टा है, सब जानवर
क्या करता है, सुबह देख पाती है और रात को भी तो देख पाती है, लेकिन आउल क्या है, सुबह देख नहीं पाती है और रात को एकदम अच्छे से देख पाती है। दूसरे बर्ड्स को क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा बर्ड क्या है, सुबह अच्छे से देख पाती है और रात को इतना अच्छे से देख नहीं पाती है, लेकिन आउल पूरा उल्टा है। ठीक है, आउल रात को देख सकता है और दिन में देख नहीं पाता है। आउल ग्रे कलर का भी होता है और वाइट कलर का भी आउल होता है स्टूडेंट्स। अभी देखो नेक्स्ट नंबर फोर्थ नंबर, इसमें लिखा है, मैंने लिखा जेब्रा। पिक्चर पे भी जेब्रा का ही पिक्चर दिया गया है। तो जेब्रा का शरीर में ब्लैक एंड वाइट कलर रहता है और देखो जेब्रा को दिखने में भी घोड़े के जैसा दिखता है ना। और फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखा मैंने, जेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। जेब्रा का शरीर में देखो पूरा शरीर में स्ट्राइप्स दिखता है, इसमें ब्लैक और वाइट कलर का स्ट्राइप्स है, तो मैंने इसीलिए फोर नंबर में लिखा जेब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। जेब्रा का शरीर में पूरा स्ट्राइप्स दिखता है। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 31 पहला पेज कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ पेज चेंज कर लोगे, ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी पेज चेंज कर लो। तो अभी हम लोग पेज नंबर 32 पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें देखो पिक्चर 5 नंबर पिक्चर में क्या है, कंगारू का फोटो है, ठीक है। तो लिखा क्या है, डैश हैज ए पाउच। इसमें किसका नाम आएगा, कंगारू। कंगारू हैज ए पाउच, कंगारू के पास पाउच रहता है, मतलब थली रहता है। तो कंगारू के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, कंगारू कूद सकता है पर चल नहीं सकता है। आप देखते हो ना कंगारू कूद कर जाती है लेकिन वो चल नहीं पाती है ना, जब भी चलती है तब कूद कर ही जाती है। उसके पेट में पाउच है जो हम लोगों ने अभी सीखा। और आपको पता है कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। तो स्टूडेंट्स आप जब एनिमल प्लांट्स देखते हो, ऐसा कुछ एनिमल प्लांट्स देखते हो ना, तब आपको एनिमल जब दिखाते हैं तो आप शायद कंगारू का भी फोटो देखा होगा। तो आप देखोगे कंगारू का जो पाउच रहता है ना उसका पेट में, तो उसमें उसको छोटे बच्चे को ले लेती है, छोटे बच्चे को लेके जाती है ना। नेक्स्ट पिक्चर जिराफ का है, ठीक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग पहले पूरा करते हैं। 6 नंबर मैंने क्या लिखा, जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, मतलब जिराफ सबसे लंबा पशु है। तो आप देखो सच में जिराफ बहुत लंबा है, तो जिराफ सबसे लंबा पशु है। जिराफ के शरीर में भी येलो और ब्राउन कलर की डिज़ाइन है, तो देखो आप देख पाओगे जिराफ के शरीर पे भी येलो और ब्राउन कलर की डिज़ाइन की वजह से उसको भी बहुत अच्छे दिखने में लगती है ना। और जिराफ सब जानवर में से सबसे लंबा है, तो इसमें मैंने लिखा जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर एक ऊँट का है जिसको हम लोग इंग्लिश में कैमल बोलते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने क्या लिखा, कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डिजर्ट, मतलब ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ डिजर्ट, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्यों उसको रेगिस्तान का जहाज़ कहलाता है, क्योंकि सोचो आप रेगिस्तान पे जा रहे हो, ठीक है, आप रेगिस्तान के ऊपर से जब जाते हो तब गर्मी की वजह से आपको पैर में छाले पड़ जाते, तब चल नहीं पाते हो, ठीक है। उसके बहुत गर्मी है रेगिस्तान पे, बहुत गर्मी है तो आप चल नहीं पाते हो, आपको पैर में, आप चलोगे ना तो आपको पैर में छाले पड़ जाएगा।
आपका गला भी सूख जाते हैं, इसीलिए रेगिस्तान को जल्दी क्रॉस करने के लिए ऊँट का सहारा लिया जाता है। तो इसीलिए कैमल को कहा जाता है, कैमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ डिजर्ट। कैमल को हम लोग सीप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं। अभी लास्ट नंबर एट नंबर एक चीता का फोटो है, तो हम लोगों को देखकर ही पता चल जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में चीता होगा। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, मतलब चीता सबसे तेज दौड़ती है। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। चीता का शरीर पे भी जिराफ की तरह ही ब्राउन और येलो कलर के स्टेप्स देख पाओगे, है ना। देखो चीता का शरीर पे भी आप जिराफ के जैसा ब्राउन और येलो कलर के स्टेप्स दिखते हैं। तो चीता क्या हुआ, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, चीता सबसे तेज दौड़ते हैं सब एनिमल में से। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग नंबर वन में क्या सीखा, डॉग इज ए पेट एनिमल। नंबर टू, पीकॉक इज द बर्ड व्हिच किल स्नेक। थ्री नंबर, आउल कैन नॉट सी इन डेलाइट। फोर नंबर, जेब्रा हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। नेक्स्ट पेज, कंगारू हैज ए पाउच। सिक्स नंबर, जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। सेवन नंबर, कैमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ द डिजर्ट। एंड एट नंबर, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का 19 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप आपके पास जो जीके का बुक है उसमें आप अच्छे से लिखोगे, और लिखने से पहले आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए। आप पहले वीडियो देखोगे, उसके बाद गुड हैंड राइटिंग से आपके पास जीके का बुक्स में आप लिखोगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।